ये बात मुझे जो है बताना मैंने जरूरी समझा। आपने जब कुरान को पढ़ा तो आपको उसमें क्या-क्या चीजें जो है वो डाउट्स आए, गलत लगे, जिसकी बुनियाद पे आपने सवाल उठाना शुरू किया? मैंने जो सवाल उठाए वो इस पे थे। ऑफ कोर्स कुरान इजी नहीं है किताब पढ़ने के लिए, क्योंकि स्टोरी बुक की तरह नहीं कि बिगिनिंग हो, मिडल हो, एंड हो और स्टोरी कहानी हो। ऑफ कोर्स अलग अलग वर्सेस हैं, अलग अलग टाइम पे वो आई थी, तो उसको समझने के लिए टाइम लगता है। मैंने जो सवाल उठाया था, फॉर एग्जाम्पल जो कॉन्क्यूबाइंस के बारे में जो चीज लिखी हुई है, वो मैंने पहली दफा सुना कि भाई कॉन्क्यूबाइंस क्या चीज होती है। यानी ये, क्योंकि मैं मजहबी फैमिली से आती हूँ, मैंने कभी सुना नहीं था। एक तो मैंने सुना नहीं था, मुझे पता नहीं था कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लाइक उनकी इतनी बीवियां थी, ये मुझे पता नहीं था। चार बीवियों का मैंने सुना था इस्लाम में, मगर इतनी बीवियां थी वो मुझे पता नहीं था। एंड उसके अलावा चलो कोई बात नहीं, मगर फिर कॉन्क्यूबाइंस के बारे में कि कॉन्क्यूबाइंस आदमी अलाउड है, वो मुझे बात समझ में नहीं आई कि ये क्यों अलाउड है भाई। ये इस टाइप की बातें मुझे कुछ समझ में नहीं। ऊपर से व्हेन आई वाज रीडिंग कुरान, 80% लग रहा था, 80% लग रहा था कि चलो जिसे अल्लाह का है वर्ड, 20% में मुझे थोड़ा सा डाउट था कि थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लग रहा था वर्सेस, थोड़ी सी मुझे वो, अगर मुझे समझ नहीं, मैं स्कॉलर नहीं हूँ, इसलिए जब भी मैं बात करती हूँ मैं थोड़ा सा ध्यान से बात करती हूँ, क्योंकि कुछ पागल लोग भी हैं जो वीडियो देख के पता नहीं क्या समझे। आपको पता है इतना बर्दाश्त नहीं होता मुसलमानों में, उनको गलत ही लगता है अगर कोई अच्छा भी कुछ बोलना चाहे, ज्यादातर गलत ही समझते हैं। और मेरी कोई नीयत गलत नहीं है, ना मैं कोई गलत बात करना चाहती हूँ, मैं स्कॉलर बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ। मगर हाँ सवाल है, देखें, मगर बात यह कि जब सवाल हो लोगों को, उनको डांटना नहीं चाहिए, उनको समझाना चाहिए अगर आपको जवाब पता है ना। मेरा मसला ये है कि बहुत सारे लोगों ने ये बोला स्कॉलर्स को सुनो, यूट्यूब पे स्कॉलर्स को सुनो, ठीक है, मैंने स्कॉलर्स को घंटे घंटे सुना, बहुत सारे स्कॉलर्स को सुना, मगर बात यह है कि कुछ स्कॉलर्स के बाद में फिर स्कैंडल पता चले कि उनके स्कैंडल है, तो फिर मेरा काफी दिल दुखा भाई। इतने घंटे मैंने ऐसे स्कॉलर्स को सुना, यूट्यूब की वीडियोस लगा के सुनी, बाद में पता चला उनके स्कैंडल हुए मैं, तो फिर एक वो होता है ना कि थोड़ा सा दिल खराब हो जाता है। इंसान कहाँ जाए अपने मुसलमानों लोगों से पूछे, एक तो उनको जवाब का सवाल का जवाब पता नहीं है, या तो आपको डांटते हैं, स्कॉलर्स की बात सुनो बाद में पता चलता है उनको कोई स्कैंडल है, तो इंसान क्या करे। मैं खुद ही मैं अपने आप को पढ़ाई करने की मैं कोशिश कर रही थी। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, छोटी सी मेरी जो है एक वजह है जो मैंने कुरान पढ़ा, अगर आपके पास टाइम है अभी मैं सुनाना चाहती हूँ आपको असल वजह मैंने कुरान क्यों पढ़ा। थोड़ी जी, प्लीज प्लीज गो। सी अजीब बात आप लोगों के व्यूज को हो सकता है लगे, मगर स्पेशली वो जो गॉड में यकीन नहीं करते, आप लोगों को बहुत अजीब लगेगी मेरी बात, मगर ये मुझे बताना बहुत जरूरी है और इसी वजह से मैंने कुरान पढ़ा। मेरे बचपन में माँ बाप का डिवोर्स हो गया था और मैं अपनी माँ के साथ रही हूँ, और मेरी बातचीत बिल्कुल भी नहीं थी अपने डैडी के साथ, मैं उनको जानती नहीं थी, है साल में एक दफा मिलती थी, मगर वो अपने आखिरी के जो 10 साल पहले उनका इंतकाल हो गया, वो गुजर गए। उनके जो आखिरी के कुछ दिन थे, साल थे, उसमें वो काफी मजहबी हो गए थे, वो 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, वो कुरान में जाके सॉरी क्या बोलते हैं, जब जो नहीं होता वो मस्जिद में कुरान खाने नहीं, जब वो कॉल टू प्रेयर को क्या बोलते हैं, अजान। हाँ अजान वो बकायदा देते थे, एंड काफी मजहबी हो गए थे। और उन्होंने आखिरी बात जब हम सब भाई बहनों से करी, जब अलग अलग बात करी इंतकाल से पहले, हमें पता नहीं था उनका इंतकाल होगा, मगर जो आखिरी कॉन्वर्सेशन थी उनके साथ, उन्होंने हम सबको बोला कि नमाज पढ़ना, नमाज नहीं छोड़ना, हम सबसे उन्होंने ये एक एक चीज बोली थी। मैं कोई मजहबी नहीं थी, मैंने एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया भाई। मगर मेरे डैडी का फिर अचानक से इंतकाल हुआ, उनका जानमाज के ऊपर इंतकाल हुआ, और उनका कुरान भी रखा हुआ था, एंड फजर के वक्त उनका इंतकाल हुआ। और जब उनका इंतकाल हुआ, अफकोर्स एक धक्का लगता है, जब भले मैं उनको जानती नहीं थी इतना, मगर धक्का एक लगता है इंसान को। मैं छोटी हूँ सबसे फैमिली में, छोटी बेटी हूँ मैं सबसे छोटी, तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा धक्का लगा, मगर उसके बाद क्या हुआ कि मुझे सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस हुए, स्पिरिचुअल नहीं, सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस हुए, जो हो सकता है आप लोगों को फनी लगे, मगर मैं बता रही हूँ, और जो मुझे जानता है उनको पता है मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, जो बात है मैं बताती हूँ। मेरे डैडी की जो रूह थी, उन्होंने जो है अपने आप को जाहिर करा, गुलाब की खुशबू आई, बकायदा ऐसे लग रहा है कि मैं दुकान में, गुलाब की दुकान में आ गई, इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू थी, ऐसे दो दफा, ऐसे चार दफा हुआ। ये नींद नहीं, था नींद में नहीं था भाई, मैं कोई पागल नहीं हूं, मैं
देखिए मैं बात ये है कि क्रेडिबिलिटी इंसान की होती है, मैं कोई पागल नहीं हूँ, मैं कोई जाहिल नहीं हूँ, मैं पढ़ी लिखी औरत हूँ, यूके में बैठी हूँ, मॉडर्न हूँ काफी, मुझे मुझे इस्लाम पे चलना हो मैं चलूंगी, मुझे नहीं चलना हो मुझे कोई करने वाला नहीं है, फोर्स करने वाला नहीं है। वो जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ 4 दफा, जिसमें से 2 दफा बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, ऐसा कि मैं दुकान में खड़ी हुई हूँ ठीक है गुलाब की, और 1 दफा तब हुआ जब मेरी माँ और बहन भी थे साथ में और हम सब ने एक दूसरे की शक्ल देखी, हम सबको पता था कि डैडी हैं बेसिकली मेरे, क्योंकि वो एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ और मैं वो नहीं भूल सकती हूँ। मुझे कोई शक नहीं है कि गॉड है, इस पे कोई भी मुझे यकीन नहीं करा सकता कि गॉड नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक्स मुस्लिम बन जाते हैं, बोलते हैं भाई हम तो मुस्लिम है नहीं अब, फिर वो क्या सोचते हैं अच्छा मैं मुस्लिम नहीं तो हम गॉड पे ये भी यकीन नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैं भले इस्लाम पे चलूं या नहीं चलूं, गॉड पे मेरा यकीन कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस करा था वो सुपर नेचुरल था, मुझे कोई इसमें शक ही नहीं है कि मरने के बाद कुछ ना कुछ होता है। अब अगर आपको वो एक्सपीरियंस नहीं हुआ, आपको लगेगा ये पागल है, जैसे आपने बोला सॉरी होगी तो आपको वो सब बातें आती, आपके साथ हुआ नहीं है एक्चुअली। मुझे पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनके साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है, क्रिश्चियंस भी उनके साथ भी हुआ है, अगर आप गूगल करें, फिर मैंने गूगल काफी करा कि भाई दूसरे लोगों के साथ हो रहा है कि नहीं, होता है लोगों के साथ, तो वो सब क्या पागल लोग हैं। तो मुझे पता है मैंने क्या एक्सपीरियंस करा, और वो फिर मैं खोज में लगी भाई क्या सच है, क्योंकि मेरा बाप पढ़ता था 5 वक्त की नमाज भी, ठीक है। तो मैं इसलिए, मगर फिर जब मैं कुछ मुसलमानों लोगों की हरकतें देखती हूँ, और जैसे आपने बोला कुरान में ये लिखा हुआ, कुरान में वो लिखा है, वो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मुझे क्या क्या मेरे डैडी की रूह की खुशबू अच्छी इसलिए थी क्योंकि वो अच्छे इंसान थे, या उनकी खुशबू इसलिए थी क्योंकि वो अच्छे मुसलमान थे, जो बात आपने शुरू में करी, इज इट के ही वाज गुड ह्यूमन, वो मुसलमान नहीं हो सकते इस वजह से क्योंकि इस्लाम में ये रूहों का आने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आपका जब इंतकाल हो जाता है तो इस्लाम का जो फिलॉसफी है, इस्लाम की जो आइडियोलॉजी है, उसके हिसाब से अब आप दुनिया में नहीं आ सकते, आप एक बरज़खी जिंदगी में चले जाते हो, जो कबर वाली जिंदगी होती है उसको बरज़खी जिंदगी कहते हैं। आप बरज़खी जिंदगी में चले जाते हो, वहां पे आपसे सवाल जवाब होते हैं, अगर आप एक मुसलमान हैं तो फिर आप वो जवाब दे पाते हैं और फिर जन्नत की खिड़की खुल जाती है और वहां से आपको जो है रोशनी विशनी नूर वूर आता है। और अगर आप एक अच्छे मुसलमान नहीं है या काफिर है तो फिर वहां पे आपको सजा शुरू हो जाती है, आपके मुंह पे हथौड़े मारे जाते हैं या फिर वो बिच्छू छोड़ दिए जाते हैं, सांप छोड़ दिए जाते हैं, इस तरीके से आजाब होता है। तो इस्लाम में तो रूह का रिटर्न आने का कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि एक इंसान मरने के बाद वो दुनिया में आए और खुशबू फैलाए। तो अगर इस्लाम के हिसाब से चलेंगे आप तो फिर वो जो है ना वो मुसलमान तो नहीं हो सकते, क्योंकि मुसलमान में ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं। अगर इसको इस्लाम से हट के देखे तो हो सकता है, हालांकि आप इसको साबित नहीं कर सकते, आपकी ये सोच हो सकती है, लेकिन मगर आप जो बोल रहे हैं कि इस्लाम में ये नहीं लिखा है, फिर बात दोबारा घूम फिर के वो आ जाती है कि कौन सा इस्लाम। कुछ लोग सिर्फ कुरान को मानते हैं, आपने जो बोला कि रूह इस्लाम में, कुरान और हदीस की रोशनी में लेते हैं ना, कुरान में है रूह आने का कॉन्सेप्ट। मगर मसला मेरा ये मसला है कि कुरान में लिखा है कि किसी और किताब पे नहीं चलो, तो हदीस को इसलिए मैं हिस्टोरिकल मानती हूँ कि हिस्टोरिकल किताबें हैं, अच्छी किताबें हैं हदीसें, मगर मैं एज अ स्क्रिप्चर नहीं मानती पर्सनली, क्योंकि कुरान में खुद लिखा हुआ है भाई किसी और बुक को फॉलो नहीं करो, तो कुरान में क्या लिखा हुआ है कि रूह नहीं है, क्योंकि मेरा जब मैंने पढ़ा था कुरान उसमें ये चीजें लिखी थी। हाँ दूसरी भी चीजें हैं मगर हमें उनको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। टू पास द टेस्ट ऑफ लाइफ कुरान इज सफिशिएंट, आप वो करें जो कुरान में लिखा हुआ है, टू पास द टेस्ट ऑफ लाइफ, तो वो चीज मुझे समझ में आई थी। मगर हाँ अगर आप हदीसों का देखें तो आप कम्प्लीटली कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए फिर मैं सोच रही थी यार अगर मैं सिर्फ कुरान पे चलूं तो हो सकता है फिर मैं, अगर कुरान पे भी हाँ मुझे क्वेश्चंस हैं, मैं ये नहीं बोलूंगी क्वेश्चंस नहीं है, मगर प्रॉब्लम यही है ना फिर मुसलमानों को मैं फॉलो करूंगी तो मुसलमान तो अपना अपना हर इंसान से कुछ अलग जवाब देगा इंसान, यानी कोई स्टैंडर्ड जवाब भी नहीं कुछ चीजों का, तो ये मसला है मेरे साथ। जी जी, तो ये कॉन्क्यूबाइन वाला जो मसला था आपके साथ, ये क्या आपको इनह्यूमेन लगा? मुझे अच्छा नहीं लगा भाई, मैं औरत हूँ और क्या मैं पसंद करूंगी कि मेरा मियां के 4 बीवियां अगर वो चाहे तो रखे 3 और फिर उसके अलावा भी कॉन्क्यूबाइंस भी हो, ठीक है, तो मुझे पर्सनली इसका कुछ जवाब मिला कोई स्कॉलर को सुन के, या कोई मुसलमान जो है वो तसल्ली बख्श आपको जवाब दे पाया? नहीं, तसल्ली तो, कन्विंस हो गई
नहीं कन्विंस तो मैं कभी भी नहीं हो सकती हूँ ऐसी चीजों से, क्योंकि ऑफकोर्स मैं औरत हूँ, मैं कौन सी औरत पसंद करेगी, मगर यही बोलते हो वो तो जमाना कुछ और था, जाहिलिया का जमाना था, उस वक्त तो आदमी तो 10-10 बीवियां रखते थे, तो उसको तो लिमिट करा था, 4 बनाया था ताकि जैसे 10 बीवियां ना हो 4 हो, फिर उनको सही से आप देखभाल करें। और कुरान में ये भी लिखा हुआ है कि ये नहीं बोला कि आप रखें 4, ये लिखा हुआ है कि बेहतर आपके लिए ये होगा अगर आप एक ही रखें, मगर अगर जरूरत पेश आई कि चलो औरत मायूस है बेचारी है जो भी, तो उसको सहारा देने के लिए। तो अगर ऐसा नहीं, मुझे नहीं पता आपने कौन सी वाली कुरान पढ़ी है कि इसमें ये कहा है कि सहारा देने के लिए जरूरत है तो करो वरना आप नहीं कर सकते, एक ही रखो, ऐसा कुरान नहीं कहता है। कुरान ये कहता है कि आप 4-4 कर, 2-2 3-3 4-4 करो, और इंसाफ नहीं कर सकते तो एक करो। अच्छा, वो भी उसके बाद तो बांदियों के साथ या गुलाम के साथ या लौंडी के साथ वो इंसाफ वाला मामला भी नहीं है कि भाई उनके साथ आप इंसाफ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। आप अगर उसको खरीदे हो या फिर जंग में आपको मिली है तो वहाँ इंसाफ वाला मामला भी नहीं है, आप तो उसको लो और उसके साथ फिर सेक्स करो या उसको बेचो, ये सारी परमिशन है। तो मुझे नहीं पता कि आपने कौन सा कुरान पढ़ा है जिसमें आपको ये वाली आयतें मिली है। जरूरी नहीं कि सॉरी कि मैंने ये कुरान में डायरेक्टली पढ़ा हो, मैंने सिर्फ कुरान एक ही दफा पढ़ा है, तो मैं कोई स्कॉलर बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो मैं दोबारा ये बोलना चाहती हूँ, ये आप लोगों को ज्यादा मिसेज ऐसे लगता है कि आपको सब जानते हैं एंड अरबी में भी जानते हैं। बात ये है कि जब मैंने रिस्पॉन्सेज सुने हैं स्कॉलर्स के, तो रिस्पॉन्सेज स्कॉलर्स के ये बोलते हैं, जैसे डॉक्टर जाकिर नायक मशहूर है इंडिया में एंड दूसरे भी लोग, उनकी जब जो सवालों का जब मैं जवाब सुनती हूँ वो तो यही बोलते हैं कि ओ नहीं कॉन्टेक्स्ट है कि ये क्राइटेरिया है, इसमें ये मीट करेगा तो आप कर सकते हैं चौथी तीसरी शादी, क्योंकि जमाना ऐसा होगा। और कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं आगे जाके हो सकता है जमाना ऐसा हो कि आदमी कम हो औरतें ज्यादा हों, क्योंकि ये आखिरी मजहब है, तो हर हर सिचुएशन का सोल्यूशन दिया हुआ है कुरान में। सिचुएशन के हिसाब से अगर चलना है तो अगर कोई कंट्री में या दुनिया में ही औरतों का परसेंटेज ज्यादा हो जाए और मर्द कम हो जाए, सॉरी मर्दों नहीं एक मिनट रुको, मर्द कम हो जाए ठीक है और औरतें ज्यादा हो जाए, नहीं यार मैं उल्टा बोल रहा हूँ, हाँ औरतें बहुत ज्यादा हो जाए और मर्द कम है, नहीं यार मैं क्यों कंफ्यूज हो गया हूँ, वही आप बोल रहे 3-4 दफा आपने वही बोला सही तो बोल दो, औरतें ज्यादा हो जाए मर्द को कम हो जाए तो क्या होगा, नहीं सॉरी मर्द ज्यादा हो जाए औरतें कम हो जाए, हाँ मर्द ज्यादा हो जाए सही, आई एम रियली सॉरी, मर्द ज्यादा हो जाए और औरतें कम हो जाए ठीक है, तो क्या अब वो औरत जो है वो 2-3 शादी कर सकती है, 2-3 मर्द के साथ कर सकती है? नहीं, मगर आई थिंक पॉइंट ये है कि अगर आपको यकीन है कि कुरान अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह को पता है कि क्या होने वाला है, तो अल्लाह को ये पता है कि ये कभी नहीं होने वाला कि औरतें जो है कम होंगी और आदमी ज्यादा होंगे। नहीं तो आप तो मुझे फिर बताएंगे कि ये रेशियो आपको, ये आपको डिपेंड करता है ना आपका बिलीफ क्या है, नहीं मगर डिपेंड करता है ना आपका अगर रेशियो आप देखे, आप रेशियो अगर देखे कोई भी कंट्री का आप उठा के देख लीजिए, मर्द ज्यादा होते हैं औरतें कम होती है, ये तो मैं पहली बार सुन रही हूं। मैंने तो उल्टा सुना है भाई, मैंने तो ये सुना है कि औरतें ज्यादा हैं और आदमी कम है, और जंग पे भी आदमी जाते हैं, जंग होगी तो आदमी मरेंगे। आप एक बार डेटा देखिए ना, अब जहाँ पे मर्द ज्यादा है और औरतें कम है तो वहां पे फिर सिचुएशन के हिसाब से अलाउ होना चाहिए। देखिए मुझे डेटा पता नहीं है, अफकोर्स अगर ये और ये इस टॉपिक पे मैंने कभी सोचा नहीं कि अगर अलग हो तो क्या होना चाहिए, अफकोर्स औरतों का ये है कि अगर औरत 3-3 आदमियों से शादी करेगी और वो प्रेग्नेंट होगी, अफकोर्स पुराने जमाने में था कोई टेस्ट नहीं था जो बता सके कि कौन बाप है, तो फिर वो इस टाइप के मसले आ जाते हैं, अफकोर्स आज का जमाना अलग है। मगर आई थिंक देखिए मैं आपको स्टैटिस्टिक बताता हूँ, एक मिनट रुकिएगा, इन्होंने लिखा हुआ फीमेल परसेंटेज 51% इन इंडिया, तो ऑलमोस्ट सेम है, अच्छा नहीं किसी ने लिखा है, सॉरी किसी ने कमेंट डाला है, ये देखिए मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, सानिया फरहात ने लिखा है, ये देखिए The human sex ratio is the number of males for every 100 females in a population. A sex ratio above 100 means there is more males than females. A sex ratio below 100 means there is more females than male. As a sex ratio of 100 means there are equal number of males, females and males.
कतर हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो विद 259 मेल्स पर 100 वुमेन फॉलोड बाय यूएई 223 मेन पर 100 वुमेन और बाहरेन में भी वही हाल है 161। अब आप बताइए कि आप जो सिचुएशन वाइज आप अगर इसको सही मानने की कोशिश करेंगी, इसको आप जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगी, तो इस हिसाब से तो फिर गल्फ कंट्रीज में एक एक औरतों को चार चार मर्दों के साथ शादी करने की इजाजत होनी चाहिए। देखें, मुझे नहीं पता कि स्टैटिस्टिक्स इतने डिफरेंट क्यों हैं, क्योंकि यूजुअली क्या अल्लाह कोई ये चीज नहीं बता दी? नहीं, मगर आई डोंट नो कि पहली चीज ये कि आई एम नॉट गॉड, ठीक है, मैं गॉड नहीं हूँ, और सिर्फ गॉड को मैं गॉड को मानती हूँ, भले अल्लाह बोले या भगवान बोले या जो भी, मैं मानती हूँ कि एक गॉड है। अब इस्लाम सच है कि नहीं, या क्रिश्चियनिटी सच है कि नहीं, या जूश मतलब या हिंदुइज्म सच है कि नहीं, मुझे नहीं पता भाई। जो ये जो आपने सवाल उठाया, इस्लाम कैसे सच हो सकता है, इस्लाम का खुदा कैसे सच हो सकता है जब वो इनह्यूमन प्रैक्टिसेस को अलाउ करे, वो चाइल्ड मैरिज को अलाउ करे, वो बीवी को मारने को अलाउ करे, वो बीवी को खेती कहे, वो स्लेव्स के साथ सेक्स करने को अलाउ करे, और वो जो है वो ये कैसे खुदा की तरफ से, सच्चे खुदा की तरफ से हो सकता है? कभी गौर नहीं किया आपने? मगर दो चीजें हैं, नहीं मगर जो आप बोल रहे हैं ना, कुछ चीजों पे मैं अग्री कर रही हूँ, कुछ चीजों पे मैं अग्री नहीं करती हूँ। क्योंकि जैसे आपने बोला कि औरत को खेती बोलें, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है उस सेंटेंस का, वो डिस्क्राइब किया जा रहा था औरत को टू गिव बर्थ, जैसे सोयल में आप सीड डालते हैं और वो उगता है प्लांट या फूल, उसको एज ए एग्जाम्पल दिया गया था, औरत के यूट्रस को बेसिकली सोयल बोला गया, औरत को सोयल नहीं बोला गया, एग्जाम्पल दिया गया कि चलो वो जैसे सेक्स और बच्चे पैदा करना। मगर अंडरस्टैंडिंग है ना कि आप क्या समझ रहे हैं उसको लेके, वो चीज को मुझे लेके अभी भी मैंने उसको खेती से जोड़ना कैसे सही हो सकता है? खेती जो है उसको आप जो है वो भाड़े पे भी दे सकती है, आप उसको खेती में बहुत सारे आप मजदूर भी रख सकती है, तो उसको खेती के साथ जोड़ना ये कहां तक चाहिए? जो चीज आप सही बोलेंगे कि मुझे जो चीज आप बोल रहे हैं, जो पॉइंट्स हैं, और जो मुझे लग रहा है कि हाँ सही बोल रहे हैं, मैं बोलूंगी हाँ सही है भाई। मुझे कॉन्क्यूबाइंस के बारे में मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, मगर ये जो खेती वाली चीज है, मुझे इसमें कोई मसला नहीं नजर आया, बिकॉज मैं भी माँ हूँ, मैंने दो बच्चे पैदा करे हैं, ये तो प्राउड होने वाली चीज है कि वाकई में जैसे सोयल जो है, पूरी इजाजत है कि आपसे वो 15-20 बच्चे पैदा करे, क्योंकि बुनियादी जो खेती का मकसद होता है उससे ज्यादा से ज्यादा क्या कहते हैं उसको, यील्ड लेना है, उससे ज्यादा से ज्यादा खेती करना है, तो आप शौहर जो है वो 15-20 बच्चे पैदा करे जब तक आप फर्टाइल है। नहीं, मगर आप क्या कर रहे हैं, आप दो चीजों को लिंक कर रहे हैं जिनको एक्चुअली कोई जोड़ नहीं है। अगर कोई, मैं तो ये तारीफ के तौर पर समझ रही थी कि औरत की तारीफ समझ रही है आप, बिकॉज आदमी बच्चा नहीं पैदा कर सकते हैं, मैं माँ हूँ, और सबसे जो बड़ी खुशी है मेरे लिए मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे मेरे लिए बोझ नहीं है। इससे अगर जो है ये बोला जा रहा है कि औरत का यूट्रस खेती एज ए सोयल है, जो एक्चुअली डिस्क्राइब कर रहा है जिस तरीके से बच्चा बनता है फूल की तरह जैसे उगता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बोला जा रहा है कि 20-20 बच्चे खेती किस लिए होती है? बात खेती की नहीं है, बात सोयल की। आपने पहले सोयल का लफ्ज इस्तेमाल किया था, खेती है इस्लाम में, उसको खेती का है, सोयल नहीं का है, मिट्टी नहीं का है, खेती का है। रुको मैं आपको आयत बता देता हूँ। हाँ, आयत बता देगा प्लीज, क्योंकि देखिए बात ट्रांसलेशन, आज आपका डाउट भी हम क्लियर कर देते हैं, जो थोड़ा मोड़ा आपका इस्लाम बचा है वो भी हम देखेंगे, अगर वाकई में आप यानी समझती है चीजों को तो आपको समझ में आ जाएगी। ये देखिए मैं आपके सामने पेश करता हूं, एक मिनट रुकिए, ये आ गई। हाँ एक मिनट, मैं मेरी स्क्रीन प्रेजेंट कर देता हूँ ताकि मैं इनको प्रॉपरली पढ़ के भी सुनाऊं। ये देखिए, ये है सूरह बकरा की आयत नंबर 223, क्या कहती है? तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती है तो अपनी खेती में जिस तरह चाहो जाओ और अपने लिए आगे भेजो, और खुदा से डरते रहो और जान रखो कि तुम्हें इसके रूबरू हाजिर होना है, और ऐ ईमान वालों को बशारत है। तो यहाँ पे तो खेती वर्ड है, वहां पे ये देखिए, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए बमंजिला खेती है,
ये देखिए, और एक ट्रांसलेशन, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती है, ये देखिए तुम्हारी बीवियों बीवियां, आप सॉइल बोल रहे थे ना, सॉइल नहीं है उधर, खेती है वो। ठीक है, अगर हम खेती भी मान लें, खेती का मतलब क्या होता है, एक दफा आपने प्लांट उगाया, एक दफा आपने प्लांट उगाया उसके बाद दोबारा भी प्लांट और क्रॉप्स बढ़ सकते हैं। जैसे औरत एक दफा नहीं, सिर्फ दो दफा, तीसरी दफा, जितनी दफा चाहे बच्चे पैदा कर सकती है। उसका मतलब ये, अगर इसका मतलब ये नहीं कि तो औरत जो है 15-20 बच्चे भी पैदा कर सकती है, और खेती का जो मेरी नानी ने 10 बच्चे पैदा करे थे, मेरे परनानी ने 20 बच्चे पैदा करे थे, वो उनका जमाना था, मेरे दो बच्चे हैं भाई जी। नहीं, मेरी कोई बिजनेस ही नहीं, वो जमाना जो था, ठीक है, मेरे जो दादा दादी नाना नानी थे सब इंडिया में पैदा हुए थे, लखनऊ में, एंड यू नो वो जमाना भाई कुछ और था, जब कॉन्ट्रासेप्शन नहीं होता था, लोग ऑफ कोर्स यू नो या था नहीं या इस्तेमाल करते नहीं थे, जो भी उनका एक अलग ये, जमाना ये आयत इस जमाने के लिए फिर नहीं हो सकती है। नहीं, मगर आई थिंक आप गलत देखें, इस आय इस पर्टिकुलर आयत को लेके आप मुझे कन्विंस नहीं कर सकते हैं कि इस्लाम मैं कन्विंस नहीं कर रहा हूं, आप उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रही है। नहीं, डिफेंड नहीं कर रही, मैं सच बता रही हूँ कि मुझे इसमें कोई अभी भी बुरा नहीं नजर आ रहा, बिकॉज खेती का मतलब ये कि क्रॉप एक दफा आपने हटा दिया, आपको दूसरी दफा भी उगा सकते हैं, तो खेती की तरह ही है ना, बिकॉज एक बच्चा पैदा कर सकते हैं, उसके बाद दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, ऐसे थोड़ी कि एक दफा बच्चा पैदा करके। लुबना जी एक सेकंड रुकिए, सर साहब इसकी तफसीर बता देना इनको, ये आई क्यों आए। हाँ, वो तो सेक्स के लिए ही है, सेक्स आप जिस तरीके से चाहो कर सकते हो, और उसमें से जितने बच्चे पैदा आप कर सकते हो उसमें कर सकते, वो बच्चे पैदा करने की एक मशीन है, बात वो नहीं है, ये वो चीज को समझ रही है। बात ये है कि आप खेती जो होती है आप उससे बेस्ट यूज करते हो, आप ये चाहते हो कि मैं खेती से जितना ज्यादा इसमें फल या पौधे या जो भी है उसको उगा सकूं ताकि मुझे इससे बेनिफिट हो, ठीक है। तो एक फीमेल को खेती बुलाना ये सरासर उसकी बेइज्जती है, और आप उसको नीचा दिखा रहे हो, आप इसको डिफेंड नहीं कर सकते हो। देखिए इंग्लिश में ये लिखा हुआ है, योर वाइव्स आर अ प्लेस ऑफ कल्टीवेशन सर्विंग सीड फॉर यू। कल्टीवेशन, कल्टीवेट, आप कल्टीवेशन क्यों करती है, उससे प्रॉफिट लेने के लिए, और आप मैक्सिमम आप ट्राई करती है कि आप जो खेती कर रही है उससे मैक्सिमम आपको बेनिफिट हो। तो उस हिसाब से अगर आप जाओगी तो आप जितने बच्चा पैदा करने की क्षमता है आपके अंदर, आपने उतने बच्चे पैदा करते रहना है। तो फीमेल जो है वो हर साल या हर एक डेढ़ साल के बाद वो बच्चा पैदा कर सकती है, फॉर द एज ऑफ मे बी 40 और 42 और 45। नहीं, कर सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि करने को बोला है। अरे खेती बता ये नहीं, मगर आप बोल रहे हैं 20-20 बच्चे खेती रख के कोई उसमें बिना खेती रख के कोई उसमें कल्टीवेशन नहीं करेगा, ऐसा होता है क्या? खेती में आदमी कल्टीवेशन ही करता है। नहीं, तो कल्टीवेशन का मतलब ये है कि जैसे बच्चा इंसान, प्रेग्नेंट इंसान होता है, वो बच्चा बढ़ता है, फिर वो निकलता है औरत के जिस्म से, आप कल्टीवेट कर रहे हैं, फिर कल्टीवेट कर रहे हैं, दूसरा बच्चा पैदा हो जाएगा एक साल के बाद या डेढ़ साल के बाद, फिर तीसरा बच्चा पैदा। अगर आप दोनों मियां बीवी पैदा करना चाहते हैं तो भाई हो जाएगा, अगर आप नहीं करना चाहते, चाहत पे नहीं रखा है ना, चाहत का कहां कहा है अल्लाह ने कि सिचुएशन के हिसाब से आप दो ही पैदा करो, बल्कि अल्लाह तो ये कहता है कि अपने बच्चों को इस डर से ना मारो कि वो उसको खाना कौन खिलाएगा, उसको रिस्क देने वाला अल्लाह है। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि कयामत के दिन मैं उस औरत को ज्यादा मानूंगा जो सबसे बच्चे ज्यादा बच्चे पैदा कर रही है, क्योंकि वो मेरे नंबर्स को बढ़ाएगी। तो इस्लाम में तो आपको नंबर्स बढ़ाना है। जिस तरीके से आप देखें, बात इंसान की सोच की भी होती है, क्योंकि मेरी सोच खराब नहीं है, जब मैं ये पढ़ूं तो मुझे इसमें कोई इस पर्टिकुलर दूसरी भी चीजें जो आप बोल रहे हैं कॉन्क्यूबाइंस, वो मुझे समझ में आ रहा है, मगर इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में अभी भी मुझे कुछ वो कोई बहुत बुरा नहीं लग रहा है। हमने अपना पॉइंट रख दिया है, आपका पॉइंट है। देखिए आपने तो ऑलरेडी फैसला कर लिया ना कि आपको इस्लाम पे बिलीव नहीं है, तो आपके लिए तो हर चीज गलत ही होगी। मैं तो हमने इस्लाम में रहते हुए जब गलत लगा तब निकले, ऐसा नहीं है कि इस्लाम को निकल के फिर इसको गलत समझ रहे हैं। इस्लाम में थे और ये गलत चीजें हैं, इस वजह से निकले, नॉट द वाइस वर्सा। ठीक है, मगर मैं ये बोल रही हूँ कि अभी भी मैं आपकी आपकी जो एक्सप्लेनेशन है उससे मैं कन्विंस नहीं हूँ इस चीज को लेकर। कोई इशू नहीं, हम आपकी एक्सप्लेनेशन में भले टॉपिक में हो सकता है मैं हूँ। देखिए आप दूसरा मुद्दा उठाएंगे, दूसरा टॉपिक उठाएंगे,
मुझे अगर डाउट होगा मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगी हाँ भाई ये आपने सही बोला। इसमें अभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो बहुत आपका क्या बात बोली है। मारने के ऊपर आपका क्या थॉट है? बीवी को मार सकते हैं, मगर प्लीज रिमाइंड कर सकते हैं वो आयत निकाल के, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली मैंने एक ही दफा कुरान पढ़ा, 24 मैं अभी पेश कर देता ये 4:34 मर्द औरतों पर हाकिम है बसबब इस फजीलत के जो अल्लाह ने बास को बास पर दी है, और सबब इसके के जो वो खर्च करते हैं, यानी मर्द अगर खर्च करता है इस वजह से उसको अल्लाह ने दर्जा ऊपर रखा है। अपने माल पर जो नेक बीवियां हैं वो इताज शार होती है, गैब में हिफाजत करने वालियां अल्लाह के हिफाजत से, और वो खवातीन जिनके बारे में तुम्हें शरकसी का अंदेशा हो, यानी सिर्फ एक अंदेशा पे, यू जस्ट फियर के भाई आपकी बीवी जो है वो शरकसी कर रही है आपको, आपके बारे में कुछ गलत बोल रही है या गलत काम कर रही है, सिर्फ अंदेशे पे, शरकसी का अंदेशा हो, बस इनको नसीहत करो और इनको इनके बिस्तरों में तनहा छोड़ दो और इनको मारो, फिर अगर वो तुम्हारी इताअत करे तो इनके खिलाफ राह मत तलाश करो, सिर्फ शरकशी के अंदेशे पे। मगर यही चीज आप इंग्लिश की ट्रांसलेशन प्लीज दिखा सकते हैं, क्योंकि वैसे मेरी उर्दू इतनी है, मेरे को लग रहा है। मैं इंग्लिश में बता देता हूं, इंग्लिश में प्लीज। थैंक यू। Men are the protectors and maintainers of women because Allah has given to one more than the other and because they support them from their means. Therefore the righteous women are devoutly obedient and guard in the husband's absence what Allah would have them guard. As to those women on whose part you fear, okay, you fear disloyalty and ill conduct, admonish them, refuse to share their beds and beat them. Acha lightly karke jo ye koi Quran Quran mein nahi likha hua, ye bracket mein hai. To dekhi masla ye bhi hai translations ka, jaise aapne bola ki Urdu mein ye likha hua hai, magar English mein jo Urdu mein bhi maarne ka likha hua hai और इंग्लिश में भी लाइटली जो लव्स है, लाइट लाइटली कुरान का हिस्सा ही नहीं है ये तो जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो अच्छा दिखाने के लिए करते हैं। ये देखिए एमएस अब्दुल हलीम का ट्रांसलेशन देखिए, देन हिट देम, ना कोई लाइटली इटली नहीं है कुरान में, तो अरबी में लाइटली है ही नहीं। ये देखिए वद्रिबु हुन्ना, और मारो इनको। ये देखिए ये आपको उर्दू अगर आती है, ऊपर साफ लिखा है वद्रिबु हुन्ना का मतलब है और मारो इनको। तो कुरान जो है वो तो मारने की बात बता रहा है। आप इससे भी अग्री करती है कि बीवी को मारने, मार पीट में मैं बिल्कुल भी अग्री नहीं करती हूँ। तो फिर ये कुरान तो जो अल्लाह है, तो यही तो मसला है मुझे कि जैसे मैंने आपको बोला, मैंने जब कुरान पढ़ा 80% मुझे समझ में आया, 10-20% मुझे समझ में नहीं आया। इसी टाइप की जो चीजें हैं, जैसे ये वाला सोयल वाला नहीं, वो उससे मुझे मसला नहीं है। हाँ, इस टाइप की चीजें मेरे मसला है। अच्छा मैं एक मिसाल आपको देता हूँ, एक मिसाल देता हूँ। अगर रूह अफजा पता है ना आपको, हम बहुत रमजान में पिए हैं, है ना, तो रूह अफजा के गिलास में 2 कतरा पेशाब का अगर मैं डाल के दूं, तो आई एम रियली सॉरी, मेरी मिसाल थोड़ी गंदी है लेकिन समझने के लिए देना पड़ता है भाई, तो समझ में आ गया। दो कतरा अगर डाल के दू आपको पेशाब का, तो आप पिएंगी नहीं पिएंगी नहीं ना भाई। एग्जैक्टली तो एक बुक जिसको अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ मंसूब किया जा रहा है या खुदा की तरफ मंसूब किया जा रहा है, उसमें अगर 80% चीजें भी आपको अच्छी लग रही है लेकिन 20% चीजें उसमें अगर गलत है, तो वो खुदा की तरफ से नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा एरर नहीं कर सकता, खुदा इनह्यूमन बातें नहीं कर सकता, खुदा सोसाइटी को खराब करने वाली बात नहीं कर सकता। देखिए तो ये खुदा की तरफ से कैसे हो सकता।